आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का सिवनी जिला संवेदनशील जिलों की श्रेणी में आता है और सिवनी में ईद के आगे या पीछे अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, आधा सैकड़ा से ज़्यादा गौवंश को एक ही तरह से गला काट कर छोड़ दिया गया। कुछ गौवंश मझगवां पलारी चौकी के पास मझगवां के समीप मिले और कुछ दूमा के करीब गिरगिटिया के जंगलों में इन गौवंशों को पकड़ा गया है। और इसको लेकर आप यहाँ सामने देख रहे होंगे राकेश पाल सिंह, पूर्व विधायक केवलारी, और उनके बाजू में बैठे हुए हैं दिनेश राय, जो विधायक सिवनी हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश राय इस मामले में काफ़ी व्यथित दिख रहे हैं, उन्हें इस पूरी घटना से बहुत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी कष्ट अनुभव वे कर रहे हैं। वो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दिनेश राय का इस पूरे मामले में क्या कहना है, आइए हम सुनाते हैं और आगे उसके बाद आपको हम बाकी चीज़ों से रूबरू कराएंगे। तो आने वाले समय में ईद में जो कुर्बानी देते हैं तो हम आने वाले बड़गा में इनकी कुर्बानी दे देंगे। मानसिकता गंदी, अभी ईद जो शनिवार था उसमें इन गांव को उन्होंने कुर्बानी दी है, इन गांव को हमारी गौ माता को। यहाँ से लेकर ये बड़ी घटना है। ईद के समय में यहाँ के कुछ सिर्फ हो रहे मुसलमान कटुओं ने हमारी गौ माता को मारा, ये 32 गाय मारा धूमा में, यहाँ पर 25 गायों को मारा मझगवा में, और अभी नैनपुर की अलग घटना है। कुल मिला के जानबूझकर ये सोची हुई समझे साजिश है। तो सुना आपने विधायक दिनेश राय किस तरह इस पूरे मामले में बहुत तल्ख तेवर अपनाए हुए दिख रहे थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला केवलारी विधानसभा क्षेत्र के आसपास का है और यहाँ केवलारी के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं राकेश पाल सिंह, यहाँ मौजूद थे। कांग्रेस के विधायक जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं राज ठाकुर हरबंश सिंह, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पुत्र रजनीश सिंह, उनका बयान इस पूरी घटना के बाद अब तक नहीं आया है, जो अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान खुद में खड़ा करता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, वे चाहते तो सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले में कुछ अपनी टिप्पणी दे सकते थे। इस मामले में विधायक पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह और विधायक दिनेश राय से बातचीत की गई, आइए हम सुनाते हैं विधायक राकेश पाल सिंह और दिनेश राय। और यहाँ पर गौवंश का परिवहन जो है सबसे ज्यादा होता है धनौरा पलारी और यहाँ जो बाजार भरती है, तकरीबन बाजार के बाद 15 से 20 ट्रक जो है गाय लोड होकर यहाँ से जाती है। मैं विधायक था तब मैंने ये बाजार बंद कराओ, ये बाजार को भी बंद करवाना है और प्रशासनिक क्षमता की कसावट के लिए परिवर्तन भी करवाना है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो समझ में आ रहा है कि ये अगर लोगों की मिली भगत थी काम तो हम सब उसी के लिए बैठे, गौ हमारी माता है और माँ के धन की बात गौ कही हम सब बढ़ेगी और हमारे साथ सभी लोग कार्यवाही देखिए। अभी राजेश भैया जो पुराने हालात बताए तब तक आप थे यहाँ पे विधायक, ऐसी कोई घटना बड़ी घटी, लेकिन आप पे जाने के बाद वर्तमान में जो हमारी सरकार बनी कहीं ना कहीं इस तरीके निकृष्ट लोग की मानसिकता गंदी। अभी ईद जो शनिवार था उसमें इन गांव को उन्होंने कुर्बानी दी है, इन गांव को हमारी गौ माता को। और जी यहाँ से लेकर नैनपुर केवलारी का जो क्षेत्र हमारा धनौरा दो जगह और हमारे धूमा में, इसमें भी 6 लोगों को भी गांव वालों ने उनको सर्टिफाई किया है कि जे लोग अपराधी हैं इनके द्वारा ये किया गया है और यहाँ पुलिस विभाग का भी मिला जुला काम है। सफेद नेता भी इसमें जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ इनके मकान ढहाए जाए, इनको 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ा जाए, नहीं तो आने वाले समय में ईद में जो कुर्बानी देते हैं तो हम आने वाले बड़गा में इनकी कुर्बानी दे देंगे। इस देश में अगर रहना है तो हम हिंदुओं का सम्मान, हिंदुओं की रीति रीति में चलना पड़ेगा, आसान नहीं है। जिस तरह तुम हमारी गौ माता को मार रहे हो,
जो तुम कम कर रहे हो वो काम है, हमारे हिंदू हाथ में उठा लेगा, तुम जाओगे का छोड़ के भागने पड़ेगा पाकिस्तान। और रहना है आपको क्षेत्र में तो हमारे हर हालत में गौ को माता को रक्षा करने के लिए हमारे साथ ही होना होगा। ये तो आप छोड़ के क्षेत्र को जाए आपने सुना दोनों जनप्रतिनिधियों का क्या कहना था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं राकेश पाल सिंह, उनके द्वारा जो बात कही गई और दिनेश राय के द्वारा जो बात कही गई वो हमने आपको सुनाई। ये यहाँ पर माहौल बना हुआ दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दो जगह हुआ है, एक केवलारी के समीप मझगवां से कुछ दूरी पर और दूसरी घटना दूमा थाना अंतर्गत गिरगिटिया के पास, गिरगिटिया से लगभग 3 किलोमीटर आगे जंगलों के अंदर शव मिले हैं गायों के, और सबको एक तरह से ही काटा गया है, गर्दन उनकी कटी हुई मिली है। एक बार फिर दिनेश राय क्या कह रहे हैं आपको हम ये बात सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। मानसिकता गंदी, अभी ईद जो शनिवार था उसमें इन गांवों को उन्होंने कुर्बानी दी है, इन गांवों को हमारी गौ माता को, मुझे यहाँ से लेकर नैनपुर केवलारी का जो क्षेत्र हमारा धनोरा दो जगह और हमारे धुआं में, इसमें भी 6 लोगों को भी गांव वालों ने उनको सर्टिफाइड किया है कि जो लोग अपराधी हैं इनके द्वारा ये किया गया है, और यहाँ पुलिस विभाग का भी मिला जुला काम है, सफेद नेता भी इसमें जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ इनके मकान ढहाए जाए, इनको 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ा जाए, नहीं तो आने वाले समय में ईद में जो कुर्बानी देते हैं तो हम आने वाले बड़गा में इनकी कुर्बानी दे देंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि इतने सारे मवेशियों का शव परीक्षण किस तरह से किया गया होगा, क्योंकि इन्हें पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन्हें कफन दफन कर दिया गया है, इन्हें जमीन के अंदर गड़ा दिया गया, पर बिना शव परीक्षण के आखिर ऐसा किया कैसे कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस पूरे घटनाक्रम को क्यों किया गया है, इस पर से अभी तक पर्दा उठ नहीं सका है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मझगवां में ये सारे प्रदर्शन बृहस्पतिवार 20 जून को हुए। विधायक दिनेश राय, एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं दिनेश राय क्या कह रहे हैं। पूरा मामला और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की बात कही? देखिए, ये बड़ी घटना है। ईद के समय में यहाँ के कुछ सिर्फ हो रहे मुसलमान कटुओं ने हमारी गौ माता को मारा, ये 32 गाय मारा धूमा में, यहाँ पर 20-25 गायों को मारा मझगवां में, और अभी नैनपुर की अलग घटना है। कुल मिला के जानबूझकर ये सोची हुई समझे साजिश है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, लोगों ने मिलकर ये घटना घटी है, और इसमें बहुत बड़ा क्राइम करने वाले अपराधी जुड़ते हैं, जानबूझकर ये अपराध कर रहे हैं, जिसमें हमारे अराजकता फैले और पूरा शहर का माहौल गंदा हो। आप घटना स्थल पे आए हैं, पुलिस प्रशासन ने क्या बोला कार्रवाई? प्रशासन और कलेक्टर महोदय दोनों साथ में थे, उन्होंने कहा है कि आज शाम तक हमें चिन्हित कर लिया, सभी अपराधियों को उठा लिया जाएगा, और हम लोगों की मांग है जो अपराधी है उसके मकान भी ध्वस्त किया जाए, तो कलेक्टर का भी आदेश है कि हम भी उनके मकान तोड़ेंगे और ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो, दोषी बचे न, और जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उनको भी यहाँ तक हटाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। मझगवां के अलावा धूमा के थाना उसमें भी कार्रवाई, सभी जगह पूरे जिले में जहाँ जहाँ ये घटना घटित हुई है, इन तमाम पुलिस अधिकारी जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इसमें अपराधी है, सबके साथ एक साथ कार्रवाई। इस पूरी घटना की निंदा सिवनी जिले में चारों तरफ हो रही है, हर तरफ गिरफ्तारी की मांग हो रही है। राजा खान मुबीन आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके द्वारा भी ज्ञापन सौंपकर इस घटना को कारित करने वाले
लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। जगह जगह इस मामले को लेकर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर संभवतः 21 जून को बंद का आह्वान भी किया गया, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि बंद का आह्वान 21 जून का है अथवा नहीं। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है या नहीं हो पाई है। विधायक दिनेश राय को एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं, विधायक दिनेश राय क्या कह रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो आने वाले समय में ईद में जो कुर्बानी देते हैं तो हम आने वाले बड़गा में इनकी कुर्बानी दे देंगे। उनकी मानसिकता गंदी, अभी ईद जो सत्यवार था उसमें इन गांव को उन्होंने कुर्बानी दी है, इन गांव को हमारी गौ माता को। यहाँ से लेके ये बड़ी घटना है। ईद के समय में यहाँ के कुछ सिरपुर मुसलमान कटुओं ने हमारी गौ माता को मारा, ये 32 गाय मारा धूमा में, यहाँ पर 25 गायों को मारा अपने मजगवा में, और अभी नैनपुर की अलग घटना है। कुल मिला के जानबूझ कर ये सोची हुई समझे साजिश है। इस तरह की घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक है। जिला कलेक्टर के द्वारा इस मामले में क्या कहा गया, जिला कलेक्टर क्षितिज सिंगल वे इस मामले में क्या कह रहे हैं, इस बारे में हम आपको बताते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से भी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका वक्तव्य जैसे ही आता है वो भी आपके आपको सामने हम रखेंगे। आइए सुनते हैं जिला कलेक्टर क्षितिज सिंगल का इस मामले में क्या मत है, क्या कहना है। नहीं, सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पूरा पुलिस और पूरी तरीके से प्रशासन के सभी विभाग इसमें जुटे हुए हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं और शीघ्र ही हमें इस घटना के पीछे कौन है वो भी पता चलेगा और उस अनुसार उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। जिला कलेक्टर क्षितिज सिंगल के द्वारा जो बात कही गई वो हमने आपको सुनाई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस घटना को लेकर लोगों से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की अपील है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, उद्वेलित ना हो, उद्वेल ना अपनी ना प्रदर्शित करें, प्रशासन और पुलिस को अपना काम करने दिया जाए, जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। इस तरीके की बात प्रशासनिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताई। विधायक दिनेश राय एक बार फिर हम सुनाते हैं क्या कह रहे थे। नहीं तो आने वाले समय में ईद में जो कुर्बानी देते हैं तो हम आने वाले बड़गा में इनकी कुर्बानी दे देंगे। उनकी मानसिकता गंदी, अभी ईद जो सत्यवार था उसमें इन गांव को उन्होंने कुर्बानी दी है, इन गांव को हमारी गौ माता को। यहाँ से लेके नैनपुर बड़ी घटना है। ईद के समय में यहाँ के कुछ सिरपुर मुसलमान कटुओं ने हमारी गौ माता को मारा, ये 32 गाय मारा धूमा में, यहाँ पर 25 गायों को मारा अपने मजगवा में, और अभी नैनपुर की अलग घटना है। कुल मिला के जानबूझ कर ये सोची हुई समझे साजिश है। ये कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।